हेलो, चालू हो गई रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। हम लोग पढ़ रहे हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने एग्जम्पशन के पहले के पार्ट तक कर लिया था। अपन ने चार्ट बनाया था रिकॉर्डेड वालों, आपने पॉज करके कॉपी किया था, कुछ याद रहेगा तो होपफुली आपने पूरा रिवाइज किया है। करेक्ट, लेट मी टेक अ स्मॉल वाइव अराउंड, प्लीज क्लोज योर नोट्स। नोट्स बंद कीजिए भाई, नोट्स बंद कीजिए। उल्टा कर दीजिए नोट्स, मोबाइल में भी नोट्स ओपन ना करें प्लीज। अपन भी नोट्स बंद कर दीजिए मिस्टर पेशेंस। चलिए स्टार्ट करें अपन। तो सबसे पहले कहाँ से चालू किया जाए? हाँ चलिए मनन से चालू करते हैं। मनन, व्हाट डू यू मीन बाय डियरनेस अलाउंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डियरनेस अलाउंस? एक पर्टिकुलर, एक नॉन पर्टिकुलर, और हितेश जो उसने बोला सही बोला कि गलत बोला? नहीं, उसने जो बोला डियरनेस अलाउंस के दो टाइप होते हैं, बराबर है। हाँ तनिषा, इसने बराबर बोला, बराबर है उसका, बराबर है। इंद्र जो उसने बोला बराबर है। चारों के चारों को पता नहीं था डीए इन टर्म्स डीए, ये तो एक चीज। अभी और आगे सुनिए, दोनों का भी फर्क क्या होता है? नोट्स बंद हितेश। भूमि, इसने जो बोला इन टर्म्स का मीनिंग करेक्ट है कि रॉन्ग है? बैरियर इन टर्म्स का मीनिंग क्या? अच्छा है, इन टर्म्स मतलब होता है इट इज दैट पार्ट ऑफ डियरनेस अलाउंस व्हिच इज इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपने ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोला कि इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कंप्यूट में बहुत कुछ होता है भाई। डीए इन टर्म्स मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ डीएनएस अलाउंस व्हिच इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने एग्जांपल भी दिया था, बेसिक सैलरी 20,000 है, डीएनएस अलाउंस 5,000 है। एम्प्लॉयर बोलता है कि डीएनएस अलाउंस का 40% में सैलरी में इंक्लूड करके उसका पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन, सुपर एनुएशन का कॉन्ट्रीब्यूशन सब कैलकुलेट करूंगा, तो 20,000 प्लस 2,000
वो 2000 जो 40% विद टर्म्स हो गया, क्योंकि उसको हम सैलरी में इंक्लूड करके रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और बचा 3000 नॉट इन टर्म्स हो, बराबर। सो नॉट स्टडीड वेल। चलो नेक्स्ट, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। धैर्य अक्षय, मुंडी ना हिलाए आप, शांत बैठे। वेट, सुनो अभी, हाँ कितना था? बोलो मनन। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, और दूसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। थर्ड वाला क्या है विनय? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड है, और प्रोफेशनल टैक्स जो है इट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाँ भूमि, व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस? तनिषा, अलाउंस, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड अलाउंस इन इनकम टैक्स? अलाउंस का मतलब क्या होता है? अक्षय, व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंसेस? मनन, इंद्र,
धैर्य। लेट मी सजेस्ट यू समथिंग मिस्टर विनय, यू नीड टू स्टडी वेरी स्पेसिफिक। आप सेंटेंस बोलते हो ना बहुत वेग बोलते हो, तो उससे जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आता। सेम विद इंद्र और बाकी लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। एज ऑन डेट यू आर नॉट एट अ गुड लेवल, मतलब आप जो बोलते हो उससे जो मीनिंग आना चाहिए वो कुछ भी नहीं आता है। आप जो बोलना चाह रहे हो कुछ भी ऐसा जो आप भली सोचते रहेंगे पर एग्जामिनर को फील नहीं है कि भाई जो आप बोल रहे हो वो सही है, तो मार्क्स नहीं देगा आप। अक्षय, यू आर एट वेरी बैड लेवल। धैर्य अक्षय एंड हितेश ऑल्सो, यू थ्री वेर नॉट एबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन प्रॉपर। यू आर अ वेरी बैड लेवल, यू नीड टू स्टडी, थिंग्स मे टर्न वेरी बैड। मैंने बोला था अलावेंसेस का मतलब होता है एम्प्लॉयर पेज अ फिक्स्ड अमाउंट टू एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। एग्जांपल भी दिया था मैंने, उसको 10,000 पर मंथ दे दिए, अब उसको घर लेना हो 6,000 का ले 15,000 का ले, मुझे कोई मतलब, ये अलावेंस होता है। अलावेंस कभी काइंड में नहीं होता है, वो पैसे में ही होता है, वो परक्विजिट्स। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये ना टैक्स सब्जेक्ट, इसमें है ना आप ऐसा मन मर्जी से कुछ एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार इसके बेस पे पैसा लेती है, तो आपको ये सब कायदे कानून पता होना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर यू विल नॉट एबल टू एडवाइज योर क्लाइंट, और आपने गलत कुछ करवा दिया और क्लाइंट की टैक्स लाइबिलिटी आ गई तो क्लाइंट आपको चिपक जाएगा। वो बोलेगा तुमने रिटर्न भरा, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो आपको बहुत स्पेसिफिक याद होना चाहिए जो अभी तक आपको याद नहीं है, विच आई फील यू शुड, करेक्ट। अच्छा फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट। धैर्य, व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट। और कुछ खास बात पर किसी के बारे में कंपटीशन है हितेश, मनन का कैसे रैंक लाओगे आप। मनन आगे निकल रहा है, मनन पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं तो कंपटीशन क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मोहित भी पढ़ रहा है ना। हाँ पढ़ने दो, नहीं रैंक कैसे आएगी।
अक्षय, सब घर पे पढ़ रहे हैं आपको छोड़ के, आपको बोल रहे हैं नहीं पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। आप कैसे भी पढ़ो, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप लोग ना, आप कैसे पढ़ रहे हो बताओ, आप सिर्फ रीड कर रहे हो, समझ गया। अब मैं आपको पूछता हूँ, आप बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है एग्जाम में वी नीड टू राइट आंसर्स। तो अगर हम जो भी चीज पढ़े और उसको हम याद करें ऐसी भाषा में कि जो हमको लिखनी है। एग्जाम में आप ऐसा जैसे कि वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसलिए टैक्स, मैं देखो बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ कि आप इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश में आपको समझे, इंग्लिश में आप लिखना एग्जाम। वैसे तो टैक्स जैसा सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट, ऑडिट, ये सब इंग्लिश में ही पढ़ाने चाहिए 100%, बिना हिंदी बोले। पर बच्चों को नहीं समझता, इसलिए अपन इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ते। पर समझने के बाद आपको इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम आप इंग्लिश में लिखने वाले हो, वहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस प्रॉपर नहीं रहा। जैसे विनय का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर माशाल्लाह है, क्या बोलना चाहता है क्या बोलता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो एग्जाम में फिर क्या होगा, आप बच्चा कैसे इवेल्युएट करता है, मैंने इतना पढ़ा इतना बड़ा फेल कर दिया। खाली पढ़ने से तो अपन पास नहीं होते, पढ़ने के बाद लिखना भी पड़ता है। आपने पढ़ा पर लिख नहीं पाए तो कैसे पास। इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको उस दिन भी बोला था, आज भी वापिस बोला, मैं एक दो बार बोल सकता हूँ, फिर मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा, फिर आप नहीं पढ़े नहीं। देखो मैं वाइवा लेने का रीजन भी वही है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। बाकी आपकी इच्छा, चलिए अभी अपन चालू करेंगे आगे पढ़ाई। पूछने का तो कोई लिमिट नहीं है, बट यू नीड टू स्टडी, प्लीज फोकस। गाड़ी चली जाए रह जाओगे, बोलना नहीं मुझे, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ रहा तो मेरा जॉब खत्म। नाउ दी बॉल इज इन योर कोर्ट, यू नीड टू टेंस लर्न बाय हार्ट एंड लर्न टू राइट। मेरे समझाने के बाद आप विद इन 24 आवर्स सेम चीज को पढ़ के एक बार बिना देखे लिख लिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। विद इन 24 आवर्स, वैसे तो 12 आवर्स ही होता है, पर चलो आप इंटेलिजेंट हो तो 24 आवर्स। लेकिन 24 आवर्स के बाद आपको मैंने जो बोला उसमें से सिर्फ 40% याद रहेगा, और 3 दिन बाद आपको मैंने जो बोला उसमें से ग्लिम्स याद रहे, और 1 महीने बाद आपको ऐसे फील आएगा हैंड राइटिंग तो मेरी है, कब लिखा मैंने ऐसा। और ध्यान रखो, पढ़ाने के बाद पढ़ के लिखना है, लिखना सीखना है आप। यू नीड टू लर्न राइटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके चलिए लेट्स मूव एग्जम्प्ट पार्ट ऑफ सेल्फ। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, बराबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्प्ट पार्ट ऑफ सेल्फ। जैसे मैंने बताया था एग्जम्प्शन ऑफ इनकम एंड डिडक्शन ऑफ इनकम। तो एग्जम्प्शन ऑफ इनकम के अंदर ये बंद कर, एग्जम्पशन ऑफ इनकम मैंने बताया था कि ग्रॉस इनकम में आएगा नहीं, ऊपर ही लिखेंगे और लेस कर देंगे। लेकिन डिडक्शन नीचे नीचे अलग से टोटल इनकम लिखने के बाद लेस करें, बरोबर। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। अच्छा अभी सैलरी का एग्जम्प पार्ट। सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जब एम्प्लॉयर आपको पगार देता है ना, तो पगार में खाली पैसे नहीं देता है, कैलकुलेशन। जैसे अभी सपोज करो आज मैं कोई एम्प्लॉय को रखता हूँ मेरे ऑफिस में, उसको मैं पगार देता हूँ समझो 10,000 रुपये। आपको लगेगा कि उसकी सैलरी 10,000 है, तो ठीक है, पर एम्प्लॉयर के लिए 10,000 खर्चा नहीं। एम्प्लॉय ऑफिस में आके बैठेगा, बरोबर, 2-3 बार चाय पिएगा, चाय का खर्चा। एम्प्लॉय आके बैठेगा, उसको बैठने के लिए जगह डेस्क देनी पड़ेगी, उसका खर्चा। एम्प्लॉय आके बैठेगा,
फैन एसी लाइट चलाएगा, एम्प्लॉय आके बैठेगा, वॉशरूम भी यूज करेगा, पानी भी पिएगा, कभी कभार ऑफिस के खर्चे पे नाश्ता भी मंगाएगा, कभी कभार ऑफिस के फोन को यूज करके गर्लफ्रेंड से बात भी करेगा। हम उसको साल में एक बार पिकनिक लेके जाएंगे, हम कभी उसको घूमने भेजेंगे। तो सैलरी जो होती है बहुत बड़ी होती है, इसलिए जब आप जॉब पे जाते हो तो वो लोग एक टर्म यूज करते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। तो कॉस्ट टू कंपनी में वो आपको बोलेंगे हम आपको सीटीसी 8 लाख देंगे, तो चेक करने का सीटीसी में क्या है, 8 लाख में क्या बोलेंगे, ऐसे लिखा रहेगा नीचे कि आपको हम ये देंगे, इसका 7,000 वैल्यू हो गया, इसका 15,000 वैल्यू हो गया, और आपके हाथ में आ रहे महीने के 40,000। क्यों? क्योंकि बाकी सब ऐसी चीजें जो काइंड वाली माइनस होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, आपके हाथ में 40,000। 40 के हिसाब से देखेंगे तो 4,80 हुए अपने, तो पर हमको पैकेज कितना बोल रहे हैं, 7 लाख। तो हमें चेक करना चाहिए कि ब्रेकअप क्या होता है। अब ये ब्रेकअप होता है जो हम बात कर रहे हैं, ब्रेकअप होता है वो पर्टिकुलर ब्रेकअप के केस के अंदर कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होता है, कुछ पार्ट टैक्सेबल। हम अभी पढ़ने वाले हैं वो पार्ट जो एग्जम्प्ट है, यानी कि जो टैक्सेबल। वेरी क्लियर समझे? अब एग्जम्प्ट पार्ट में क्या क्या आता है, लेट अस सी। देखो सबसे पहले आता है सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल असिस्टेंस या लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल या लीव ट्रैवल कंसेशन, ये होता क्या है, एम्प्लॉयर हमें घूमने भेजता है कहीं और, एम्प्लॉयर हमें कहीं और, बराबर, उसको हम बोलते हैं लीव ट्रैवल असिस्टेंस या कंसेशन। मतलब एम्प्लॉयर हमें घूमने के लिए भेज रहा है, हमें हमारे परिवार को, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, उसको हम बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस। अब वो जो खर्चा करेगा उसमें से एग्जम्प्ट क्या क्या होगा वो हमको नीचे दिया होगा। उन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयर अगर हमें रेलवे से भेजता है तो एसी फर्स्ट क्लास का फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट विल बी एग्जम्प्ट। एसी फर्स्ट क्लास का फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, समझो एम्प्लॉयर आपको अजमेर से मुंबई भेज रहा है घूमने, तो आपको अजमेर से मुंबई का जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे आप जो ट्रेन से ट्रैवल करते हो, आप बोले नहीं चलो मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली 2 दिन मौसी जी से मिलके फिर मुंबई जाता हूँ, एग्जम्पशन विल बी अजमेर टू मुंबई डायरेक्ट बाई शॉर्टेस्ट रूट, बराबर। तो ज्यादा खर्चा कर दिया, डिफरेंस पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्स। अरे वो आपको फ्लाइट से बेच रहा है तो इकोनॉमिक क्लास नेशनल कैरियर जो भी रहेगा जैसे कि एयर इंडिया वगैरह, उसका खर्चा आपको एग्जम्प्ट। आपको जहाँ भेज रहा है वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट ट्रेन वगैरह नहीं है तो वहाँ का कोई रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा तो उसका डिलेक्स क्लास का खर्चा, समझो वो भी नहीं है तो वो लोग वहाँ पे इमेजिनरी रेलवे लाइन एज्यूम करके फेयर कैलकुलेट करते हैं, भाई अगर यहाँ रेलवे लाइन होती थी कितना खर्चा लगता था, वो क्या हो जाएगा, माइनस, बरोबर समझे। ये एग्जम्पशन एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के लिए मिलता है, फैमिली के अंदर जो रहेंगे उसकी स्पाउस और मैक्सिमम 2 बच्चे और बाकी डिपेंडेंट मेंबर्स। 2 बच्चे अक्टूबर 1998 के बाद के, उसके पहले के अनलिमिटेड, कि 2 बच्चों का प्रोविजन अक्टूबर 1998 से आया। फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर ये 2 बच्चों का रूल भी कैसे कैलकुलेट होगा, सपोज करो कि पहली बार वाइफ प्रेग्नेंट हुई और उसी समय ट्विंस हो गए या ट्रिपल हो गए या चौपल हो गए तो सबका एग्जम्पशन मिल जाए, समझो। और उसके बाद अभी बच्चे हुए तो उनका एग्जम्पशन, समझो पहली बार एक ही बच्चा हो, दूसरी बार में डबल ट्रिपल हो गए तो ऐसा 1 ही माना जाता है तो पूरे का एग्जम्पशन, समझे। यानी अगर पहली बार में ट्विंस वगैरह हो गए तो सेकेंड प्रेग्नेंसी वाले बच्चे विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर एग्जम्पशन। पहली बार में एक बार, दूसरी बार में ट्विंस ट्रिपलेट ऐसे सब हो गए तो फिर सबके सबके एग्जिबिशन मिलेंगे। यानी मल्टीपल बॉर्न इन अदर देन फर्स्ट टाइम विल बी रिगार्ड एज वन, मल्टीपल बॉर्न अदर देन विल बी रिगार्ड एज
बराबर समझे। ये एग्जम्पशन ब्लॉक ऑफ 4 साल के अंदर 2 बार मिलेगी, कैलेंडर ईयर्स उन्होंने दिए हैं उस 4 कैलेंडर ईयर्स में 2 बार मिलेगी। अगर वो 2 बार में से 1 बार या 2 बार आपने यूज नहीं की तो नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड होगी और नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में यूज करनी पड़ेगी और कैरी फॉरवर्ड एक ही होगा। समझो आपका पहला जो ब्लॉक था 4 साल का उसमें आपको 2 बार ट्रैवल करने का अलाउड था पर आप नहीं किए 2 बार, तो अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आप एक ट्रैवल पीछे वाली यूज कर सकते, सिर्फ एक ही, और 2 उसके साल के, 3 हो गए बराबर समझे। मतलब 4 साल में आप 2 बार घूमने जा सकते बाकी अपने पैसे से जितनी बार जाना है जाओ, तो एक ही बार आप अगले वाले ब्लॉक में जा सकते हैं वो भी फर्स्ट ईयर के। अभी आप 2 बार जाने चाहिए थे, 3 रहे और वो जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो फर्स्ट ईयर में यूज होना चाहिए बराबर। देखिए अभी आइए रीड करें, लीव ट्रैवल असिस्टेंस लीव ट्रैवल कंसेशन एज पर सेक्शन इफ एनी एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम हिज और फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव अलॉन्ग विद द फैमिली और एनी प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट और एट एनी टाइम आफ्टर रिटायरमेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन सच अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्ट एक्सटेंड ऑफ बराबर। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग इफ ट्रैवल इज मेड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम then fare of national carrier in economic class by shortest travel made by railway first class AC fare by shortest if travel is made by any other mode in that route railway exists then first class AC fare of railway by shortest if employee has made travel by other than railways and in that route railway is not in then if the approved transport exists deluxe class fare if no approved transport exists then as if there would have been railway amount of exemption cannot exceed actual expenditure incurred this exemption is only for traveling expense it is not for boarding lodging also expense from home to railway station shall not be allowed very clear expense is allowed incurred for itself and family family includes spouse plus children maximum 2 children born after 1098 if there is multiple born वन चाइल्ड इट इज ट्रीटेड एज ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स इफ दे आर नंबर ऑफ एग्जम्पशन मैक्सिमम 2 एग्जम्पशंस इन पीरियड ब्लॉक ऑफ 4 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1986-89 का 4 साल का ब्लॉक 86-87-88-89 बरोबर ऐसे 4-4 साल के ब्लॉक है तो हमारे ईयर में कौन सा आता है 22 से 25 हमारे साल में कौन सा आता है तो 2022 से लेके 2025 के बीच का 4 साल का ब्लॉक है उसमें आप 2 बार एग्जम्पशन ले सकते हो। अगर 2 में से 1 बार भी आप ट्रैवल नहीं किए या 1 बार ट्रैवल किए तो 1 बच गए तो कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी और वो अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में यूज। देखो आगे लिखा इफ एसएससी कुड नॉट यूटिलाइज वन और बोथ ट्रैवल इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स देन ओनली वन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ब्लॉक व्हिच इज टू बी यूज्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ दैट इज इन नेक्स्ट ब्लॉक ही कैन हैव 3 exemptions clear क्या 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 जी कैलेंडर ये एक बार से रीड कीजिए। रिकॉर्डेड वालों आपके पास नोट्स नहीं है तो यहाँ पे पॉज करके रीड कर लीजिए प्लीज पॉज करके रीड कर लीजिए प्लीज। अभी आप रिकॉर्डेड वालों अपने हिसाब से पढ़ते रहिए ये लोग रीड करेंगे फिर मैं आगे रिज्यूम करूँगा। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति आज तो पति ही नहीं है जो मॉडर्न वाले हस्बैंड वाइफ है उनको अभी तक वर्क प्लेस के लिए जाएगा तब तो वैसे भी पार्टनरशिप नहीं होता है
आप एम्प्लॉयर के काम के लिए किधर जाओगे, तो वो तो वैसे भी आपकी सैलरी में कैसे आएगा। लीगली कोई डिस्क्लोज नहीं करता, किया तो आ जाएगा, वो इसमें नहीं आता है, वो आगे एक प्रक्रिया पड़ेंगे उसमें आता है। परक्यूसिट होगा ही नहीं, वो क्यों परक्यूसिट होगा, आप ऑफिस के काम के लिए किधर भी ट्रैवल भेजो। अभी मेरे को अविनाश सर बोलते किशनगढ़ जाओ, लो मेरी गाड़ी लेके जाओ, किशनगढ़ जाओ लेक्चर लो, ऑफिस देके आओ। मैं काम के लिए जा रहा हूँ ना, मजे करने थोड़ी जा रहा हूँ। तो ऑफिस पर्पस के लिए कोई कोई खर्चे देते हैं। अभी जैसे आप बड़ी फर्म में ऑडिट पे रहते हो ना, वो लोग जब आप ऑडिट पे जाते हो आर्टिकल लोग, तो 3 आर्टिकल जा रहे हैं तो एक सीनियर आर्टिकल को भेजते हैं, सीनियर आर्टिकल को 50,000 कैश देते हैं, बोलते हैं ऑफिस के लिए जो भी खर्चा हो तुम कर लेना, वहाँ क्लाइंट से पैसा मत मांग, वैसे टाइप के। तो अभी समझो अविनाश सर मुझे रेगुलर किशनगढ़ भेजे, बोले आप थोड़ा ध्यान रखो वहाँ पे, तो वहाँ पे समझो मैं ध्यान रख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि यार सर वहाँ पे इंक नहीं है, सर वहाँ पे स्टेपलर नहीं है, बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो मुझे एक फिक्स अमाउंट दे देंगे महीने की 5,000, बोलेंगे इसका खर्चा ऑफिस से ही करना और मेरे को भी हिसाब दे देंगे। एक बात बताओ, पहली बात ऑडिटर एम्प्लॉय होता है, इंटरनल ऑडिटर दोनों टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं जो बाहर वाले लोग होते हैं, और एक कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं। इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, हमारा पहला कंडीशन है आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो हम बात करें। ऑडिटर लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं होते, वो सब प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जो पैसा मिलता है बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स। कभी भी बेसिक चीज नहीं भूलने का, सैलरी में लाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। अच्छा डिलेक्स क्लास रूम लेने जाते हैं ना अपन होटल वगैरह में, तो वहाँ होते हैं ना नॉर्मल रूम, डिलेक्स रूम, एरिस्टोक्रेट रूम, रूम की कैटेगरी है। उसका जो भी फेयर होता था, जावा उससे ज्यादा तो कैसे मिलेगा, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। वो रीड करके एग्जाम्पल 5 सॉल्व कीजिए, 6 सॉल्व कीजिए प्लीज, सब जर एग्जाम्पल 5 और 6।
क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले खुद सोचना क्या आंसर होगा और बाद में आंसर रीड करना, डायरेक्ट आंसर रीड मत करना। हुआ सबका? ठीक क्या डाउट है? हो गया, हो गए समझे दोनों? किसी को डाउट है? अभी आते हैं 10:06 के ऊपर, करें 10:06 स्टार्ट। सिटीजन को नहीं मिलेगा, खाली किसको मिलेगा? ये समझा सबको? आगे एनी रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय
और स्टाफ ऑफ एनी फॉरेन कमीशन डेलीगेट कॉन्सुलेट एम्बेसी शैल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड सिमिलर एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड टू सिमिलर इंडियन ऑफिस इन दैट कंट्री एंड फर्दर द अबव मेंशन्ड मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन. इसका मीनिंग समझा आपको? वो क्या बोल रहा है कि कोई भी जो फॉरेन कंट्री के एम्बेसी कॉन्सुलेट्स वगैरह इंडिया में आते हैं, फॉरेन एम्बेसी के कौन आते हैं ये बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, अभी नहीं बाद में देख लेना, कोई घाई नहीं है अपने को, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. हाँ, जो भी फॉरेन कंट्री के रहते हैं वो सब को इंडिया में आएंगे तो फॉरेन कंट्री वाले उनको रेमुनरेशन देते हैं. अब वो इंडिया में रेमुनरेशन मिला, रिसीव इन इंडिया हुआ तो टैक्स होना चाहिए, पर अपन ने बोला कि हम टैक्स नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड इंडिया के कोई एम्बेसी कॉन्सुलेट वहाँ जाएंगे तो उनके हाथ में भी टैक्स बराबर. फर्दर ये जो फॉरेन एम्बेसी वाले इंडिया में आए हैं कॉन्सुलेट वाले, ये इंडिया में और कोई काम नहीं करना चाहिए, समझे? बराबर से आगे, एनी रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन इंडिया शैल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अगर कोई फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय इंडिया किसी काम से आता है, जैसे अभी हम लोग कोई फॉरेन की मशीन वगैरह इंडिया में लेके आते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन इंडिया वाले नहीं कर पाते हैं, तो वो फॉरेन कंपनी का आदमी ही आता है इंडिया में इंस्टॉल करने के लिए, तो वो जो बंदा आएगा उसको रेमुनरेशन कौन दे रहा है? उसकी कंपनी जो फॉरेन वाली है, उसको रेमुनरेशन कहाँ मिल रहा है? इंडिया में मिल रहा है, तो इंडिया में टैक्स होना चाहिए. पर हमने बोला कि एग्जाम होगा, प्रोवाइडेड उसकी स्टे इंडिया में 90 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो इंडियन कंपनी पैसा दे रही है उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. बराबर, समझे? आगे, क्लॉज 8, वेयर एनी पर्सन नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट हु इज एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन शिप स्टेज इन इंडिया देन रेमुनरेशन रिसीव्ड शैल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड स्टे डज नॉट एक्सीड 90 डेज. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी शिपिंग बिजनेस है, कभी आप शिप में गए हो, क्या बोलते हैं उसको, क्रूज. अगर क्रूज में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक गांव जैसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें पब होता है, बार होता है, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें रूम्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे होटल्स में रूम होते हैं, कॉमन होते हैं, बहुत कुछ रहता है. और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुँचने को शिप को टाइम लगता है, कभी कभी 1 महीना, कभी 2 महीना ऐसे लगता है, शिप से टाइम बहुत लगता है. सबसे फास्टेस्ट एयरवेज, देन रोडवेज एंड लास्ट सी. मतलब जो आप एयरवेज में 1 घंटे में पहुंचते हो, अगर आप सी रूट से जाओगे तो आपको कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, एटलीस्ट 3-4 दिन वही चीज़ होता है. तो जब वो शिप समझो फॉरेन से निकला और इंडिया के पोर्ट पे पहुंचा तो ऑब्वियसली 2-3 महीने बाद ही पहुंचा हो. तो जैसे ही वो इंडिया पे पहुंचता है तो पूरे जो क्रूज है उसकी सफाई, उसका कचरा फेंकना, क्लीनिंग वगैरह सब होती है, उसमें टाइम लगता है. वो जो एम्प्लॉई है उनकी पगार तो चालू है, तो उनको पगार कहाँ मिल रही है? मतलब इंडिया में रिसीव हो रही है, तो इंडिया में टैक्स. बट उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोवाइडेड वो 90 डेज से ज़्यादा इंडिया में है, समझे? बरोबर से आगे, एनी एसएससी हु इज एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, किसका एम्प्लॉय है वो, एंड कम्स टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग देन रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय सच इंडिविजुअल शैल बी provided he is employee in any organization which is owned by government in which government is shareholder or is employed in corporate society wholly partly owned by बराबर आगे section 10(7) ये बहुत important है, छोटा सा section है पर exam में कभी कभी आ जाता है. any allowance or perquisite received by Indian national outside India which is provided by government of India shall be, इसका मतलब क्या हुआ, अभी इंडिया के बाहर कोई इंडियन सिटीजन काम कर रहा है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट उसको वहाँ पे कोई फैसिलिटी वगैरह देती है तो वो उसके हाथ में टैक्स नहीं है. जैसे सपोज करो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया यूएस एम्बेसी के ऑफिस में, अब यूएस में मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो रहने के लिए मकान कौन देगा, तो जो भी फैसिलिटी मुझे देगी वो सब मेरे हाथ में क्या रहेगी, एग्जाम, क्योंकि देना ही पड़ेगा ना. अभी समझो
कोई भी, जैसे अभी तो चलो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, नहीं होता था मैं करेक्ट, तो मेरे को जब भी मैं यहाँ आता था रहने के लिए होटल का खर्चा कौन करता था। तो वैसे ही अभी गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को पोस्टिंग दे दी है कहीं पे, तो उसको मकान कौन देगा। अभी बैंक एम्प्लॉयज होते हैं, उनके ट्रांसफर्स होते हैं, तो उनको मकान कौन देता है, बैंक क्वार्टर्स, रेलवे एम्प्लॉयज रेलवे क्वार्टर्स, बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कलेक्टर पुलिस वाले सबके क्वार्टर्स होते हैं। ये हर जगह जाके बेचारा मकान तो ले नहीं सकता है, समझे बरोबर से। इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(6) एंड 10(7) वुड बी अवेलेबल टू एसएससी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिकीम अंडर विच ही पेज द टैक्स। दोनों के अंदर उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। नीचे देखो एग्जाम्पल 7 दिया है, मिस्टर ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज पोस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एम्बेसडर, ही रेंडर्स हिज सर्विसेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्स सैलरी आउटसाइड इंडिया, डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन। अब आंसर का स्टाइल देखो कैसा आंसर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 913 प्रोवाइड्स दैट सैलरी इज पेबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। हाउएवर 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 बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10(7) एनी अलाउंस परक्यूसिट रिसीव्ड बाय एनी इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी सो अबाउट रेमुनरेशन इज फुल्ली। तो अपने पहले लिखा कि टैक्सेबल है, फिर हमने लिखा कि इसका एग्जेम्पशन मिल रहा है। आंसर ऐसे लिखना चाहिए, समझे। सेक्शन 10(10) 10(10) के पहले आप पहले यहां तक एक बार रीड कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट के इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड है, इंस्टीट्यूट के मॉडल में दिया हुआ है। तो अभी माई बाप मान रहा है कि जो भी गवर्नमेंट फॉरेन में रहने वाले लोगों को देती है वो सब एग्जेम्प्ट है, मतलब एग्जेम्प्ट है। पर एग्जेम्पशन देने के लिए पहले टैक्सेबल होनी चाहिए, इसलिए सेक्शन 9 में पहले बोला है कि इनकम है और बाद में इसको कह दिया एग्जेम्पशन। अब जिस दिन एग्जेम्पशन डिलीट कर दी तो टैक्स हो जाएगी, समझे। जल्दी जल्दी रीड कीजिए यहाँ तक रिकॉर्डेड वालों, इफ यू डोंट हैव नोट्स प्लीज पॉज एंड रीड। ये तो आपने पहले पढ़ा होगा, यहाँ से पढ़ना है आप, पॉज करके रीड कर लीजिए। बस फिर 10(10) ग्रेचुटी मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, सोने वाले प्राणी जागते हो। क्या लग रही, भूख लग रही, मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं। अरे इंडिया जैसे अगर आपको यूएस जाना है तो आपको यूएस का वीजा चाहिए, तो यूएस गवर्नमेंट का इंडिया में ऑफिस है, उस ऑफिस को एम्बेसी बोलते हैं। एम्बेसी मतलब मेहमान गेस्ट, जो इंडिया के अंदर एज ए मेहमान रुके, यहाँ से जिनको यूएस जाना है उनको परमिशन देना। और वो इंडिया में टैक्स नहीं होते, ऐसे ही यूएस में इंडियन एम्बेसी है, वहां पे जो सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो वो यूएस में टैक्स नहीं होती, इंडिया में हम टैक्स कर सकते हैं, फिलहाल एग्जम्पशन दी हुई। तो उसको तो टैक्स होगी ना भाई, कोई भी देने दो, क्लियरली दिया है वो फॉरेन। पहली बात तो ये कि कोई भी फॉरेन एम्बेसी में लोकल आदमी काम नहीं करते, अलाउड ही नहीं है, करते भी नहीं, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है फिर लोकल वाला निकाल के बाहर देगा। तो भी जैसे समझो आपके घर पे अचानक ही आपके मासी का लड़का आया तो मतलब अलर्ट हो जाते, होते कि नहीं होते, फिर उसके सामने आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, खुफिया बातें नहीं बोलोगे, तो बाहर चली जाएगी बातें। अक्षय बड़ा खुश है,
क्या हुआ, ये क्या बोल रही है तनिषा आपको? हाँ राजदूत, वो हनुमान जी नहीं गए थे, हनुमान जी को नहीं भेजा था, अंगद को भेजा था, अंगद को ही भेजा था, हनुमान जी तो इलीगली एंट्री किए थे। वो बोल रहा है राजदूत का मीनिंग क्या, अंगद राजदूत का कौन? उस जमाने में नहीं था ना ऐसा। अभी मुझे लग रहा है टॉपिक के ज्यादा बाहर जा रहे हो, पढ़ाई करो। मुझे आप लोग को अच्छा लगता है इस फोकट बातें करना। कल सब्जन 100-100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके आना, उस पर लिख के देना साइन करके। हमारा पोर्शन टाइम पे नहीं हुआ तो नॉलेज एकेडमी और कोई भी सर जिम्मेदार नहीं है, हम क्लास में जो टाइम पास करते हैं उसके लिए हो रहा है। ओके एक बात बताओ, आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो, दुकान वाला आप कोई भी चीज देता है फ्री में देता है, तो पैसा इंक्लूड रहता है बराबर। अब जब हम माल खरीदते हैं, हमने फॉरेन से मशीन खरीदी हो, तो हमने मशीन का पैसा दिया, हमने उसको बोला इंस्टॉल कौन करेगा, तो बोला हमारा इंजीनियर आएगा, पर इंजीनियर के चार्ज अलग होंगे। अपन बोला ठीक है, तो अपन ने पूछा किसको पे करें, आपको कि इंजीनियर को? किसी को पे कर दो, तो हम इंजीनियर को पे करो या कंपनी को पे करो, समझे? कौन सा वाला पैसा? वो आदमी के लिए, जो आदमी काम करने आया ना यहाँ पे, एम्प्लॉई ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज, इंस्टॉलेशन के लिए। अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा इसलिए उसको एग्जम्पशन, अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा इसलिए उसको एग्जम्पशन मिल रही है। अभी मैं आपको सैलरी देता हूँ तो मुझे एज एक्सपेंस लेस करने को मिलता है और आपके हाथ में इनकम होता है। अब मेरे को डिडक्शन नहीं दिया तो मेरी इनकम बढ़ गई ना, तो आपकी इनकम को टैक्स नहीं दिया। गवर्नमेंट को तो फायदा हो ही रहा है ना उतना, गवर्नमेंट अपना कुछ नहीं छोड़ रही। वो क्लॉज 11 है, वो वाली एंटिटीज में ही वो आदमी काम करेगा तो एग्जम्पशन है, नहीं तो हाँ। इंडियन गवर्नमेंट का आदमी फॉरेन से आया, इंडिया के गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको जो भी पगार इंडिया से मिलेगी वो टैक्स नहीं होगी उसके यहाँ। अभी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज एक, अरे भाई विनय बहुत डिस्टर्ब करते, मैं अभी कंप्लेन करने वाला हूँ, मैं अविनाश सर को बोलने वाला हूँ, आप विनय को अलग उधर कुर्सी लगा के बैठा। अरे भाई मैं बोलूँ चला 2 मिनट, एक फॉरेन कंट्री दूसरे फॉरेन कंट्री में अपने यहाँ से लोगों को सीखने के लिए भेजते। अगर आपको पता होगा तो इंडिया से भी बहुत सारे मिनिस्टर लोग अपने अपने स्टेट से जाते हैं, फॉरेन में कुछ टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं, इंडिया में अप्लाई करते हैं। वैसे ही फॉरेन कंपनी वालों ने किसी आदमी को इंडिया को सीखने भेजा हो। अब सीखने भेजा है तो काम तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कंपनी में ही करेगा, प्राइवेट कंपनी में काम करेगा तो उसको क्यों हम टैक्स के एग्जम्पशन देंगे? वो तो सरकारी कंपनी में, मतलब इट इज बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। कल से आपके लिए वो अलग चेयर लग जाए। यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट अमंग द क्राउड, यू आर डिस्टर्ब, या इधर लगो मुझे। हाँ
तीन चार बार भूमिका ने कंप्लेन कर दी आपके रिटर्न। इंद्र भी मुझे कल बोला आप दोनों की भी कंप्लेंट हुई है। वह यहां तक पढ़ के चलिए अभी अपन सेक्शन 10-10 पे आएंगे। बस बस 10-7 में अगर इंडिया का कोई सिटीजन फॉरेन में कोई काम करता है उसको इंडियन गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट परमिशन देती है तो उसके हाथ में टैक्स नहीं है। हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन को इंडियन गवर्नमेंट अगर सैलरी देती है तो उस पर्सन के हाथ में वो सैलरी क्या होगी, टैक्स, करेक्ट। बट इन केस पर्सन इज प्रोवाइडिंग एनी टेन सर्विसेज आउटसाइड इंडिया और सेक्शन 10-7 में आता है तो उसके हाथ में टैक्स नहीं। ये चार ये लिख क्या दोस्तों चल नहीं रहा और इसका भी चार्जर ला के रख, काम आएगा डिस्चार्ज। दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, नीड टू गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। नो नो प्लीज। अच्छा अभी अभी अपन पढ़ेंगे ग्रेच्युटी। क्या पढ़ेंगे? होगा होगा guys because of you some disturbed people are getting more disturbed।
हाँ चलिए आइए गाइस। बात ले आना, अभी पढ़ते हैं। अभी देखो, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी जो होती है वो एक्सेप्ट होती है। ग्रेच्युटी दो की होती है, एक रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनके हाथ में फुल्ली एक्सेप्ट। रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें दो होते हैं, कवर्ड बाय पोगा, नॉट कवर्ड बाय बराबर। पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय, अगर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट रहेगा तो least of following is exempt, बरोबर। least of following shall be exempt, पहला actual gratuity received, बरोबर। दूसरा लास्ट सैलरी इंटू हाफ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 months। बरोबर, मतलब अगर आपने काम किया 20 साल और 7 महीने, 21, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का पीरियड भी लिखा है ना, और पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 महीने से ज्यादा आपने किधर काम किया है तो फ्रैक्शन को पूरा ईयर मान लेंगे, बरोबर। तीसरा अमाउंट स्पेसिफाइड, यानी ₹20 लाख, ये किसके लिए, पोगा के लिए, किसके लिए, बराबर। फिर नॉट कवर्ड बाय पोगा, इसमें भी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, पहला एक्चुअल ग्रेच्युटी, बराबर। दूसरा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, 10 महीने की एवरेज सैलरी इंटू 26 इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ, अब यहां पे मैंने ऐसे लिखा है, और पीरियड इन एक्सेस, जब यहां 20 साल और 7 महीने काम किए तो, इधर 20 साल और 7 महीने काम किए तो, सबसे वेटी है। तीसरा अमाउंट स्पेसिफाइड 20 लाख, बरोबर आए ना। अब पोगा के लिए सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए, दोनों इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स दोनों आए। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स
फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। वेरी क्लियर। ये एग्जम्पशन का कैलकुलेशन है जो हमको करने को आना चाहिए। वेरी क्लियर। तो पहले आप ये लिखोगे, वो जगह देखो पीछे पेज है, उधर अच्छे से ड्रॉ करके छोटी छोटी हैंडराइटिंग में। रिकॉर्डेड वालों आप भी लिखिए, लिख सकते हो ना आप। वापिस एक बात एक बता देता हूँ, बी प्लस डी ए मतलब बेसिक प्लस डी ए। यहाँ पे देखो बेसिक प्लस डी ए इन टर्म्स, देखो टी लिखा है मैंने, लिखा प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ये देखो तीनों टर्म सिखाए थे आपको पीछे मैंने, सैलरी के लिए इंपॉर्टेंट टर्म को सिखाया था पीछे मैंने, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर कल बताया था, याद आया? पहले इंग्लिश में बोला था, फिर हिंदी में बोला था, आपने बोला इंग्लिश में नहीं समझा हमको, याद आया कुछ? और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस प्लस पीरियड इन एक्सेस ऑफ, पहले ये लिखिए फटाफट। नॉन गवर्नमेंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रिकॉर्डेड वालों आप भी प्लीज कॉपी कीजिए अच्छे से।
यहाँ तक लिखा सबने? एवरीबडी शायद ये ना उल्टा कर दिया मैंने, ये इधर का इधर और इधर का इधर लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, वो अभी दिमाग चलने लगा ना मेरा, पहले भूख लग रही थी ना। ये वाला हिस्सा है ना? नहीं थैंक यू, ये जो 15 by 26 है ना, इसकी जगह पे हाफ है, और यहाँ पे 15 by 26। बाकी सब वो अभी मैं आते से देखो, मैंने ये क्या दिखती है, नहीं वो मेरे को समझ गया। एक्चुअली सेम अलग है, बाकी सब सेम है। कोडिंग वालों ये करेक्ट कर लेना, 15 by 26 इधर। हाँ ये हुआ सबका। अच्छा अभी ये जो कवर्ड बाय पोगा है, इसके अंदर इसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पर हम 15 by 26 लेते हैं, ये तीनों किधर गए एक साथ? करना पड़ेगा लिख लिख के। रहेगा अगर आप अच्छे से लिख के पढ़ोगे, याद रहेगा अच्छे से, मतलब वो पढ़ने के बाद लिखना पड़ेगा आपको बिना देखे, तो ही याद होगा। हाँ आते इधर अपन आगे। के साथ होता है लेकिन लिख के करते याद तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा आइए इधर देखिए, प्लीज प्लीज आवाज नहीं। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स एम्प्लॉय हैज वर्क विद एम्प्लॉयर, दिस ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंड ऑफ स्पेसिफाइड। ये जो टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड है, इसका मतलब क्या है? जो अपन ने वो चार्ट देखा ना, यहाँ पे आप लिख लो, रेफर चार्ट और नेक्स्ट पेज। अरे अभी बनाया ना अपन ने वो, नेक्स्ट पेज पे ही तो बनाया था अपन ने, जगह थी ना नेक्स्ट पेज पे। वो बीच में बात मत करो, हितेश लिखा है मैंने। ये लिखा है बोर्ड पे देखो उधर, पिछले शीट का लास्ट।
कहिए फिर इन दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन सेंट्रल स्टेट एंड बराबर एग्जम्पशन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी गेट खोल के बोलो उनको सर ने बाहर खड़े रहने को बोला एग्जम्पशन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी इज गिवन बिलो आपको बाहर ही रुकना है तीनों को नहीं तीनों को बाहर ही रुकना है दरवाजा बंद करो एग्जम्पशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी इज गिवन बिलो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ पोगा बेसिक प्लस डीए सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ नॉट कवर्ड बाय पोगा बेसिक प्लस डीए प्लस ये सब देखो मैंने आपको लिखा है उसमें इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ 15 डेज 7 डेज सैलरी फॉर ईच सीजन पीछे अपन देखो लिखा था पोगा के अंदर 15 डिवाइड बाय 26 क्या लिखा था करेक्ट तो उसकी जगह पे हम लोग को 15 की जगह पे 7 डेज बराबर फॉर ईच सीजन फॉर ईच इज कंसीडर्ड वेयर वेजेस ऑफ एम्प्लॉय इज ऑन पीस रेट सिस्टम देन लास्ट वेजेस टू बी ड्रॉन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 3 मंथ्स जैसे अगर हम पीस रेट पे वेजेस देते हैं तो उस केस के अंदर हम किस पे देते हैं वेजेस पीस रेट के ऊपर तो 3 महीने का एवरेज लेना है क्योंकि पीस रेट में क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन करेगा उतना ही मिलेगा तो अभी उसमें अपन मंथली सैलरी कैसे डिसाइड करेंगे क्योंकि वहां तो मंथली सैलरी लिखा हुआ है तो हम लास्ट 3 महीने का क्या लेंगे एवरेज बराबर ग्रेच्युटी शैल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड एम्प्लॉई हैज प्रोवाइडेड सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स अगर 5 साल तक कम से कम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ही ग्रेच्युटी एग्जम्पशन मिलेगी सपोज करो कि आप पहले एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे थे वहां पे आपने 3 साल काम किया और छोड़ दिया लेकिन आपको जो ग्रेच्युटी मिलने वाली थी आपको मिली नहीं करेक्ट कि 5 साल के बाद मिलनी चाहिए मतलब वो चाहता तो दे सकता था फिर आप नए के पास गए वो 4 साल काम और छोड़ दिए अब जो ग्रेजुएट मिलेगी वो एग्जम्प्ट है क्यों पिछले के पास 3 साल किए आगे के पास 4 साल किए इसलिए एग्जम्प्ट समझो 3 साल वाले के पास आपको ग्रेजुएट मिल जाती थी रुको रुको मैं जा Gratuity shall be exempt provided employee has provided service for at least मैंने example दिया था आपको कि पहले employer के पास कितना साल काम किया 3 वहां से gratuity नहीं मिली फिर दूसरे के पास कितना साल काम किया 4 वहां से gratuity मिल रही है तो अब वो exempt होगी क्योंकि पहले 3 और बाद में 4 7 हो गए पहले वाले के साथ 3 साल काम किया वहां पे gratuity मिली वो exempt होगी क्या क्योंकि 5 साल नहीं हुए फिर दूसरे के पास 4 साल किया वहां पे मिली वो भी exempt नहीं होगी क्यों क्योंकि वहां पे भी 4 साल काम किया तो जो मैंने बोला ना दो एम्प्लॉयर के यहाँ जुड़ के हुए वो कब होता है जब पहले के यहाँ पे ग्रेच्युटी नहीं मिली थी तब समझे वापस एक बार बोलता हूँ ध्यान से सुना पहले एम्प्लॉयर के पास कितने साल काम किया वहां ग्रेच्युटी मिली क्या दूसरे के पास काम कितना किया ग्रेच्युटी मिली यस बराबर तो अब पहले के पास नहीं मिली थी ना तो वो 3 प्लस ये 4 7 हो गए इसलिए वो जो 4 वाले के बाद जो ग्रेच्युटी मिली वो क्या रहेगी एग्जाम पहले के पास काम किया आपने 3 साल वहां पे ग्रेच्युटी मिल गई टैक्स होगी दूसरे के पास 4 साल काम किया ग्रेच्युटी मिल गई टैक्स होगी बराबर वेरी क्लियर आगे देखो नीचे लिखा है इफ सपोज एम्प्लॉई हैज प्रोवाइडेड सर्विस फॉर 3 इयर्स विद वन एम्प्लॉयर देन लेफ्ट इट
and joined another employer. He did not receive gratuity from first employer. And after providing service for 4 years, left employment with second also, and from second employer received gratuity, then condition of 5 years is fulfilled. If employee has left job due to health, death, or becoming incapable, then condition of 5 years is not applicable. अगर किसी की death हो गई अचानक ही, इसलिए उसको gratuity 5 साल से कम काम किया उसने और मिल रही है, तो उसके लिए 5 साल की condition applicable. या समझो कोई incapable हो गया, कभी कभी होता है ना फैक्ट्री में काम करते करते किसी के हाथ पैर दोनों टूट जाते हैं, तो अब उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा. तो एम्प्लॉयर को जो भी कंपनसेशन ग्रेच्युटी देता है वो ग्रेच्युटी उसके लिए क्या रहेगी, एक्सेप्ट. एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एग्जाम्पल एम्प्लॉय रिटायर ऑन 5/1/2024, देन सैलरी फ्रॉम मार्च 2023 टू डिसम्बर 2023 विल बी टेकन फॉर एवरेज. क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज है, लास्ट 10 मंथ्स क्या यूज है, वो रिटायर कब हुआ, जैन में रिटायर कब हुआ, तो लास्ट 10 मंथ्स कहाँ खत्म होंगे, दिसंबर में. कहाँ खत्म होंगे, बराबर लास्ट मतलब पीछे वाले मंथ तक 10 महीने, दैट इज लास्ट 10 मंथ्स अप टू लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ, सो मंथ ऑफ जैन नॉट इंक्लूडेड. बराबर ये समझा, एक बार ये पॉइंट वापस से रीड करो जरा. आप लॉयल हो इसलिए आपको जो बख्शीश मिल रही है उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं, क्योंकि ये जितने ज्यादा साल काम करोगे तब मिलेगी. यस, आप नौकरी छोड़ रहे हो, आपने जितनी वफादारी से ज्यादा साल काम किया तो आपको पैसे देता है ना, आपकी वफादारी का इनाम. स्पेशल किधर, जब मैं बताया था तो आप नखून खा रहे थे, अभी धीरे धीरे उसको सब नीचे के एक एक पॉइंट में आने वाला है डाउट. अभी वो इतना एनग्रोस्ड था नखून खाने में. क्या चाहिए आपको, अभी मैं एक्सप्लेन करूं कि समझा, समझ गया तो शब्द. क्लास से एक साथ नहीं जाएंगे, सीजनल मतलब क्या होता है,
पढ़ा था कि कवर्ड बाय पोगा नॉट कवर्ड बाय, बरोबर, कवर्ड बाय पोगा में चेंज करवाया, आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा। पोगा के अंदर 15/26 है और नॉट पोगा में हाफ है, बरोबर। अब जो पोगा है उसमें 15 दिन की वेजेस के हिसाब से हम ग्रेच्युटी पे करेंगे, वो एग्जम्पशन होगा। पर समझो जिस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ सीजनल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस होता है, जैसे अभी वुलन क्लॉथ्स है वो कब आते हैं, सर्दियों में, जैसे विंड शीटर या रेनकोट वो बारिश के सीजन में। तो ऐसे बिजनेस के अंदर हम लोग हैं जहाँ पर बिजनेस सीजनल चलता है, तो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के लिए क्राइटेरिया क्या रखेंगे, तो उन्होंने बोला हर सीजन के लिए 7 दिन, हर सीजन के लिए, बरोबर। अब वो 10 सीजन काम किया तो 70 दिन, बरोबर। तो 15 की जगह 7/26 इंटू 10 सीजन काम किया तो 10, 20 सीजन काम किया तो 20, 25 काम किया तो 25, बरोबर। ऐसे ही अगर उसको वेजेस पीस रेट पे जा रही है, पीस रेट मतलब यूनिट प्रोड्यूस के, लेबर कॉस्टिंग किया होगा ना आपने, पीस प्रोड्यूस के बेसिस पे, तो उस केस के अंदर जो भी उसको वेजेस जा रही है उस वेजेस के अंदर 3 महीने में जो उसको वेजेस पे की गई है उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज मंथली वेजेस आएगी, उसके पेस पे पे करेंगे। हाँ नॉट कवर्ड बाय पोगा, नॉट कवर्ड बाय पोगा में तो लिखा है ना आपने एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, देखो नॉट कवर्ड बाय पोगा, एग्जम्पशन, ये रीड किया सबने, ये पेज समझा सबको, अगर आप ग्रेचुटी अगर पोगा में रहती है तो मिनिमम 5 साल काम करेंगे तो ही ग्रेचुटी एग्जम्पशन मिलेगी। समझो आपने किसी एम्प्लॉयर के यहाँ 7 साल काम किया और ग्रेचुटी मिली तो एग्जम्प्ट है, पर 3 साल काम किया ग्रेचुटी मिली तो एग्जम्प्ट। लेकिन समझो आप पहले क्या 3 साल काम किया उसने ग्रेचुटी नहीं दी, फिर दूसरे क्या गए उसके यहाँ 4 साल काम किया उसने ग्रेचुटी दी, तो सिंस पहले वाले के पास ग्रेचुटी नहीं मिली थी हमको तो वो कंटिन्यूशन में काउंट होता है, तो 3 + 4 7 हो गए, अब आपकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, बराबर।
ये देखो ये करेक्शन किया था 15/26 और ये है। अच्छा अभी आ जाओ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ये जो 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट इज पर एसएससी। सपोज करो आपने पहली बार किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया, वहाँ से आपको ग्रेच्युटी मिली 4 लाख रुपए और वो 4 लाख आपने एग्जम्पशन ले ली, करेक्ट? वो 4 लाख आपने क्या ले ली, बरोबर। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको जब ग्रेच्युटी मिलेगी तो उसकी एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट स्पेसिफाइड को 16 लाख लेंगे, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉय की 20 लाख से ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं मिल सकती, क्लियर? फिर अगर कोई एम्प्लॉयर जॉब छोड़ देता है, बरोबर, और वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर या उसके ही वापस ज्वाइन कर लेता है तो भी ग्रेच्युटी मिलेगी। फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन ग्रेच्युटी देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। LIC एजेंट ग्रेच्युटी रिसीव होगी तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय एम्प्लॉयर नहीं है। इफ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर देन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हैव इंक्लूडेड प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो अपने देखा ना 3 और 4। इफ ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस देन इट इज नॉट एग्जम्प्ट बट फुली टैक्सेबल, बरोबर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विथ एबीसी लिमिटेड, ही रिटायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन 1st October, दैट इज 1/10/23, आफ्टर सर्विस सर्विंग फॉर 16 years and 11 months। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वॉज 44,000 पर मंथ एंड एंटाइटल टू DNS अलाउंस ऑफ 8,000। ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्स ग्रेच्युटी ऑफ 6 लाख, कंप्यूट ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स and taxable under their salary. If he is covered by POGA, if he is not covered by, and not covered by POGA, मैं आगे लिखा है, average salary of last 10 months is 49, बरोबर। तो आए हम सॉल्व करें। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) एंड ग्रेच्युटी टैक्सेबल। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) एंड ग्रेच्युटी टैक्सेबल, बरोबर। पर्टिकुलर्स रुपीस और रुपीस, बरोबर। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है उसको, 6 लाख, 6 लाख है। देखो less exempt under section 10(10), धारा 10, उपधारा 10, section 10, subsection 10, बरोबर। मैं लिखता है actual gratuity received, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पहले यहाँ पे लिखो if covered by poor, बरोबर। 2-6 लाख, फिर सेकेंड क्या रहेगा, लास्ट सैलरी ड्रॉन, लास्ट सैलरी ड्रॉन कितना है उसका, 44,000 प्लस 8,000 डीए, तो 52,000, तो 44 प्लस 8,000, बरोबर। ये समझाया, इनटू 15/26, बरोबर, इनटू नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल काम किया उसने, 16 साल और 11 महीने, तो 17 साल हो गए, ये समझा। पोगा में ऐसे था ना, पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ना पोगा में ऐसा नहीं था, बरोबर। फिर तीसरा अमाउंट स्पेसिफाइड 20 लाख, तीनों का जो लीस्ट रहेगा वो बाहर जाएगा, तो ग्रेच्युटी टैक्सेबल कितना,
5,10,000 तो टैक्सेबल 90,000, टैक्सेबल 90,000। ये समझा सबको? अभी आपको समझाओ पीछे जो फॉर्मूले थे यूज किधर आ रहे हैं एग्जाम में, ये सब मेन सम के अंदर एडजस्टमेंट होंगे, ये सब मेन क्वेश्चन के एडजस्टमेंट होंगे। हाँ वह लिख के इसके बाद क्या करोगे आप, जब नौकरी से छोड़ा उस समय हमारी सैलरी क्या थी, उसको लास्ट सैलरी बोलते हैं। सैलरी तो मंथली होती है ना भाई, लास्ट टाइम जब नौकरी छोड़ा तो उस समय लास्ट महीने की सैलरी क्या मिली आप, बी नॉट कवर्ड बाय पोगा क्या कि स्टार्ट वो क्वेश्चन में दिया है उन्होंने। है को 10 से मल्टीप्लाई करना आपको, जी लास्ट एवरेज 10 मंथ्स की सैलरी कितनी है, 44, हाँ 49,500 इंटू हाफ इंटू 16
3 लाख, थ्री 96 लीस्ट है तो कितना हो जाएगा, 2 लाख टैक्सेबल है, ये समझा, नॉट कवर्ड बाय पोगा। आपको कट करके नहीं करना है, वापस से बनाना है, किसी ने उसी में कट करके तो नहीं कर दिया वापस। मैं कौन हूँ, शेड्यूल कौन भेजता है, रॉन्ग क्वेश्चन टू रॉन्ग रॉन्ग पर्सन। मेरी तो इच्छा है, वो ना बोलेंगे तो मैं कैसे लूंगा। I used to teach 14 hours a day. अभी थोड़ा कम किया, पहले 14 घंटे पढ़ाता था। नहीं, हर बैचेस मिला के सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नॉन स्टॉप, सिंगल सब्जेक्ट जितना बोलो उतना। अलग अलग स्टैंडर्ड को अलग अलग सब्जेक्ट। नहीं, मेरे लिए कोई ब्रेक नहीं, ये हुआ सबका, ये समझा। बाद में मैं सम कराऊंगा, उसमें ये सब आएगा, और तब अगर आपने करेक्ट सॉल्व नहीं किया तो यही वो लाइब्रेरी है ना, उधर ही बैठ जाना और वही सब को 20-20 बार करना बैठ के, तो इसलिए रिवीजन करके आ जाना। अभी आपके साथ ऐसी अत्याचार करना पड़ेगा तो ही पढ़ोगे आप लोग। वो मारवाड़ी में कहावत है ना, लातों के भूत, और आप वही हो। धैर्य, इसका चार्जर लाओ। चलिए आइए, अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन। एक बार ग्रेच्युटी पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद बारिश देखने जाना है कि वॉशरूम जाना है, सच बोल दो, पाप चढ़ेगा, महावीर भगवान पाप करेंगे आपको। ये जो लड़की गई थी, ये पढ़ाई के अलावा सब काम करती है, दूर रही है इससे, जिन्होंने ऑनलाइन देखा। बस बस, चलिए आइए नेक्स्ट। आपको मैंने बोला एक बार ग्रेच्युटी रिवाइज कर लो, आप वो नहीं कर रहे हो, पूरा जो चार्ट है अच्छे से पढ़ लो, जो प्रिंटेड नोट्स है पढ़ लो, एग्जाम्पल देख लो, आगे सम्स आने वाले हैं इसके, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अरे आप दिमाग मत लगाओ, पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, बस लिख दो, बस हो गया।
पढ़ाई कर लो हितेश। वहाँ ग्रेचुटी रिवाइज करके पेंशन स्टार्ट करें अपन। देखो बातचीत नहीं, हाँ रीड किया। अच्छा अभी देखो पेंशन मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को सैलरी के जैसे कुछ देता है, उसको अपन बोलते हैं पेंशन। ये पेंशन दो टाइप के होते हैं, अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब होता है मंथली, और रेगुलरली, और कम्यूटेड मतलब होता है लमसम, पूरा का पूरा पैसा एक साथ। बरोबर, कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन ऑलवेज टैक्सेबल। इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, सबके हाथ में टैक्सेबल। कम्यूटेड के अंदर दो सिचुएशन, एक रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बरोबर, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, और ग्रेच्युटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन थे, ग्रेच्युटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन थे, सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी। यहाँ पर सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी प्लस स्टैचुटरी कॉरपोरेशन प्लस स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। बरोबर, फिर नॉन गवर्नमेंट के हाथ में दो सिचुएशन है जिसके हिसाब से एग्जम्पशन मिलेगी, कितनी सिचुएशन है। बरोबर, पहला इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड इफ ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड। मेरी भाषा में बोलेंगे तो ग्रेच्युटी मिल रहा है मतलब वो पैसे वाला है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है मतलब गरीब है। ग्रेच्युटी मिल रहा है मतलब, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही मतलब, अच्छा अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो एग्जम्पशन कितनी हो जाएगी, ग्रेच्युटी रिसीव्ड डिवाइड बाय परसेंटेज कम्यूटेड, कितना परसेंटेज कम्यूट किया। समझो आपने ग्रेचुटी कम्यूट किया और आपको 1.5 लाख रुपया मिला, कितना मिला, 1,50,000। आपने 75% ग्रेचुटी कम्यूट किया,
तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 75% करेंगे तो 2 लाख आएगा, बरोबर। मतलब आपकी ग्रेचुटी कितनी थी, 2 लाख, आपने कम्यूट कितना किया, 1.5 लाख, तो 2 लाख इंटू 1/3, बरोबर, समझे। ऐसे ही अगर ग्रेचुटी इज, ऐसे ही अगर ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड, तो उस केस के अंदर ग्रेचुटी रिसीव्ड डिवाइड बाय परसेंटेज कम्यूटेड इनटू हाफ इनटू, अगर ग्रेचुटी मिलेगी तो कितना, 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी तो हाफ। जब आपको ग्रेचुटी मिल रही है मतलब आप पैसे वाले एम्प्लॉय हो तो एग्जम्पशन कम देंगे, जब आप गरीब हो तो एग्जम्पशन ज्यादा दे, समझे। बरोबर से ये चार्ट बनाइए फटाफट। कम्यूटेड मतलब लमसम लेना। अभी समझो एम्प्लॉयर आपको हर महीने 10,000 ग्रेचुटी पेंशन दे रहा है, करेक्ट। आप 3 महीने 10,000 लिए, फिर 3 महीने बाद आपका बेटा बोला मुझे MBA करना है और उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो आपने अपनी ग्रेचुटी को कम्यूट करवाया, तो एम्प्लॉयर को आपने बोला मेरी 75% ग्रेचुटी कम्यूट कर दो, तो 75% ग्रेचुटी कम्यूट किया और उसने आपको 8 लाख रुपए दे दिए, करेक्ट। अब फ्यूचर में आपको ग्रेचुटी 25% ही मिलेगी, ग्रेचुटी नहीं पेंशन 25% ही मिलेगी, 2,500, 10,000 का 25%, क्योंकि जो मंथली थी उसको आपने लमसम में ले ली ना अभी, क्या हुआ दहरी, क्या डाउट है, क्या लिखना है, तो ये ऊपर का लिख लिया आपने, बातें मत करो, ये ऊपर वाला लिख के हुआ सबका, नहीं नहीं पेंशन रिसीव लिखा है मैंने, नहीं नहीं पेंशन रिसीव, हाँ पेंशन रिसीव, पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज कम्यूटेड, ये भी पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज कम्यूटेड, मैंने एग्जांपल भी तो दिया था इसको, 10,000 पेंशन मिल रही है, 75% कम्यूट करवाना है तो 7,500 की जगह 8 लाख मिला, तो फ्यूचर में 2,500 मिलेगा, बीस लाख नहीं मिलने वाले थे, 10,000 10,000 10,000 हर महीने मिलने वाले थे उसको, उसने उसमें से 75% को लमसम ले लिया, 75% को लमसम ले लिया, मतलब जो 7,500 था वो हर महीने की जगह पे उसने एक साथ ले लिया तो 8 लाख मिल गए उसको, अब हर महीने उसको 2,500 मिलेंगे क्योंकि उसने 7,500 की जगह एक साथ 8 लाख ले लिया।
पेंशन रिसीव्ड अपन परसेंटेज कम्यूटेड इनटू वन थर्ड. पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज कम्यूटेड इनटू वन थर्ड. और इधर पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय परसेंटेज कम्यूटेड इनटू हाफ. लिखा. अब आते हैं एग्जांपल पे. देखो, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विथ एबीसी लिमिटेड, ही रिटायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन 1st October 2023. हिज बेसिक सैलरी इज 20,000. ही रिसीव्ड पेंशन ऑफ 10,000. ऑन 1st January ही कम्यूटेड 60% पेंशन, रिसीव 4,20,000. You are required to calculate amount of pension taxable if X has received gratuity. If X has not received, अच्छा उसकी सैलरी कितनी है बराबर, और पेंशन कितनी मिल रही है, कभी रिटायर हुआ वो, 1st October, और 1st January को उसने पेंशन क्या करवाई, कम्यूट कितनी करवाई, 60%, और कितने, 4,20,000. कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन टैक्सेबल बरोबर. पहला इफ ग्रेचुटी क्या है, रिसीव्ड की नॉट रिसीव्ड, पहला पर्टिकुलर्स रुपीस और रुपीस, अनकम्यूटेड. अभी ध्यान से देखिए, उसकी पेंशन थी कितनी, 10,000, तो 10,000 इंटू 3 महीना, ये समझा 3 महीना क्यों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लस उसने कितनी पेंशन कम्यूट करवा ली, बची कितनी, 40%, मतलब इंटू 3 महीना, जैन को कम्यूट करवाई ना उसने, तो 3 महीना, जैन फेब और मार्च बराबर, तो कितना हुआ ये, 30 और 12 42, ये समझा सबको. फिर कम्यूटेड, कम्यूटेड में रिसीव कितनी हुई है उसको, लेस एग्जाम्प्ट 4,20,000 जो हमको कम्यूटेड रिसीव हुई, डिवाइड बाय 60% इंटू वन थर्ड, क्योंकि इसको ग्रेचुटी मिल रही है, तो बाहर कितना गया, 1,86,667 शायद, ये आता है, दोनों को ऐड किया तो पेंशन टैक्सेबल बरोबर, कितना आता है, दोनों को ऐड करो, 42,000 ऐड किया तो, समझा, ये समझा सबको. इसके बाद आप वापस सेम बनाओगे और वहां क्या लिखोगे, इफ ग्रेचुटी इज, और नॉट रिसीव्ड में खाली ये चेंज होगा, वन थर्ड की जगह हाफ हो जाएगा. समझाइए, कीजिए सेकंड वाला पार्ट. सही है ना,
अनकम्प्यूटेड मतलब क्या होता है? मंथली मंथली मिल रहा है वो टैक्सेबल है, वो रिटायर कभी हुआ तो अक्टूबर में उसकी पेंशन कितनी थी? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर दस दस, और 1 जैन को उसने 60% कम्यूट करवा लिया। 60% कम्यूट कराया मतलब 60% के बदले लमसम पैसा मिल गया, तो मंथली नहीं मिलेगी अभी। हाँ वो समझा, 10 जैन इंटू 3, 10 जैन इंटू 3 समझा। 1 जैन को क्या किया उसने, कितना कितना परसेंटेज लिखा है क्वेश्चन में? मतलब वो जो महीने का 60% पेंशन था उसका लमसम ले लिया उसने। हर महीने कितनी पेंशन है उसका, 60% कितना हुआ? 6,000 जो मंथली मंथली मिल रहा था उसकी जगह लमसम ले लिया, तो अब कितना मिलेगा उसको मंथली मंथली? जैन फेब मार्च, बरोबर। अभी दूसरा करो, व्हेन ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, सब जन करो, वो मैं नहीं करूंगा। वाह, तो आप कुछ लिख नहीं रहे हो, मंडे को आपकी नोटबुक दिखा देना, यहाँ तक कि अपडेटेड है कि नहीं है, मुझे भी तो पता चले आप सही में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। टैक्स के नोट्स में ना बरोबर से प्रॉपर, ये तो आपने अकाउंट्स के पीछे लिखा है। ऐसी थोड़ी टीचर बने आप, यहां तक हुआ सबका? अच्छा अभी आते हैं अपन लीव एनकैशमेंट पे, किस पे आते हैं, किस पे आते हैं? भूमि लीव एनकैशमेंट में चेक करना 3 लाख है कि बढ़ गया अमाउंट, बढ़ गया शायद उसका अमाउंट स्पेसिफाइड।
चलिए आइए अपन लीव एनकैशमेंट पढ़े, बातचीत नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, लीव एनकैशमेंट का मीनिंग क्या होता है, बराबर। तो अब लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इट इज ऑलवेज, ये देखो लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज फुली टैक्सेबल एंड नो एग्जम्पशन इज, बराबर। फिर उसके बाद लीव एनकैशमेंट किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसको मिल रहा है, और यहाँ पे दो ही है सेंट्रल और, बराबर 25 लाख। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बराबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना, सेंट्रल और स्टेट, नॉन गवर्नमेंट बाकी लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट, बराबर। ध्यान रखना कि मंथ जो एम्प्लॉयमेंट के समय है वो फुल्ली टैक्सेबल है, ये एम्प्लॉयमेंट से निकलने के समय की बात चालू है, बराबर। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे तो उसके अंदर चार चीजों का लिस्ट, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, बराबर। पहला एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, पहला। दूसरा, दूसरा लीव एनकैशमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लीव एनकैशमेंट एज पर इनकम टैक्स क्या बोलता है, दैट इज एज पर लीव अलाउड, एज पर 30 डेज लीव अलाउड, दैट इज एज पर थर्टी डेज लीव अलाउड, पर ईयर, बरोबर। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, तो 30 डेज लीव अलाउ लेस लीव टेकन, तो हमारा आएगा लीव इन क्रेडिट, आया ना, दिस लीव इन क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, बरोबर। तीसरा होता है ये समझा सबको, 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, और चौथा होता है अमाउंट स्पेसिफाइड, जो कि 25 लाख हो गई है, कितनी हो गई है, तो ये चेंज करना क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 लाख लिखा है उसको 25 कर देना, और जहां पर भी 3 लाख लिखा रहेगा वहां पर भी 25 लाख हो जाएगा, दो जगह पे करेक्शन, बराबर। ये समझा, वापिस देखो, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, पहला एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, दूसरा लीव एनकैशमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मतलब 30 दिन एक साल के लिए छुट्टी देंगे, माइनस लीव टेकन, तो डिफरेंस लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तीसरा 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, चौथा अमाउंट स्पेसिफाइड, इन सबका लिस्ट विल बी एग्जेम्प्ट, यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन विल बी बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, सैलरी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, बराबर। ये लिख लीजिए, फिर सब करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, जैसा ग्रेचुटी में था वैसा इधर भी है, 25 लाख ओवर द लाइफ पीरियड है,
मतलब अगर आपको कोई जगह पे जॉब करते थे, पहली बार जॉब छोड़ा तो आपको लीव एनकैशमेंट मिला, उसका एग्जम्पशन आपने 3 लाख ले लिया, तो अगली बार जाओगे तो कितना मिलेगा? 22, क्योंकि ओवर दी लाइफ 25 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। दैट 25 लाख इज हाईएस्ट फॉर लाइफ टाइम, बरोबर? थर्टी डेज लीव अलाउड पर ईयर, एज पर 30 डेज लीव अलाउड पर ईयर, माइनस लीव टेकन, माइनस लीव टेकन इज इक्वल टू लीव इन क्रेडिट। मनन, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा सर, ये मेरे को नहीं समझ रहा है, फिर मैं बोलूंगा आप सो रहे थे उस समय। बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, बेसिक प्लस डीए टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। लीव अलाउड लेस लीव टेकन इज इक्वल टू लीव इन क्रेडिट। अरे एज पर 30 पर ईयर माइनस लीव टेकन इज इक्वल टू लीव इन क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। दिस लीव इन क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ये नीचे प्रिंटेड में लिखा हुआ है, देखो ये देखो नीचे लिखा हुआ है। देखा, ये नीचे सब लिखा हुआ है इधर, ये खाली चार्ट फॉर्म में बनाना था बोल के मैंने लिखा है। वाह, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11, फिर 12, दो एग्जाम्पल करने हैं जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल 11 फिर एग्जाम्पल 12। सॉल्व करना है क्वेश्चन 11 और 12 को, हाँ करना है, 11 करो फिर 12 करो, मैंने बोला ऐसा। सवाल कीजिए, बातचीत नहीं।
11th वाला एग्जाम्पल चालू किया क्या? क्या हुआ? देखो क्या दिया है 11th वाले में, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विथ, ही रिटायर्ड ऑन 31st आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर हिज बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 25,000, डीए 5,000, 60% इंटर, बेसिक सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 20,000 टू 25,000 फ्रॉम 1st अप्रैल, हिज एम्प्लॉयर हैज अलाउड 45 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड सर्विस और पीरियड इन एक्सेस ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्स टू 255 डेज, हिज एम्प्लॉयर पेड लीव एनकैशमेंट एज पर बेसिक सैलरी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल। अब यहाँ पर जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको लीव एनकैशमेंट देते समय बेसिक सैलरी को बेस लेता है। देखो एम्प्लॉयर जब आपको पे करेगा वो कैसे भी पे कर सकता है ना, आपको इतना ब्रेकअप नहीं दे सीधा अमाउंट देवे तो भी चले। वो क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर उसको एक साल के लिए 45 दिन छुट्टी के हिसाब से देता है, बराबर, और पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ रहेगा तो भी 45 दिन पकड़ेगा। ऐसा कौन पकड़ेगा? एम्प्लॉयर। पर इनकम टैक्स एग्जम्पशन वैसा नहीं देगा, बराबर। यहाँ पे हमको एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड दिया हुआ नहीं है तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ या ना, समझे? अच्छा अभी आते हैं जी, ये अभी कर रहा हूँ ना, करूँगा तब आपको समझेगा। कंप्यूटेशन ऑफ लीव एनकैशमेंट एक्सेम्प्ट एंड टैक्सेबल, बरोबर, अंडर सेक्शन 10-10A एंड लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल। बरोबर। अच्छा अभी पहले देखो इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। ये एग्जाम्पल 11 है, बरोबर ना। एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव, ये हमको दिया हुआ नहीं है, वर्किंग नोट 1 से पता करना पड़ेगा हमको। आया ना, वर्किंग नोट 1 लेस लीव एनकैशमेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10-10A धारा 10 उपधारा 10 अ अ, हिंदी में, बराबर। पहला एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, दूसरा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट में लीव अलाउड फॉर ईच ईयर, कितने साल काम किया इसने, 20। इनकम टैक्स में मैंने कहा बोला था कि आपको एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स के अंदर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे खाली कितना, 20 साल। लेस लीव टेकन, कितना लीव लिया है उसने, तो लीव इन क्रेडिट, लीव इन क्रेडिट इन मंथ्स, इन मंथ्स, ये इन डेज था। अगर डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 345 डिवाइड बाय 30, तो 11.5 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, जो भी आएगा, बराबर। फिर तीसरा
10 months into average salary of 10 months. बरोबर. चौथा amount specified 25 lakh. Least of these exempt to leave encashment taxable. आया ना ये समझा विनय. जागो जागो. वर्किंग नोट 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड. लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कितनी अलाउ करता है? 45 दिन 21 साल तो 945 डेज. लेस लीव टेकन. धैर्य प्यार बाद में निभाना. धैर्य सब पे ध्यान दीजिए. प्यार बाद में निभाना. जो मैं आपको मनन बता रहा था ना कि हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और लेटेस्ट कैटेगरी कवर नहीं हुई है उसके लिए आप पीछे देख सकते हो. धैर्य और अक्षय. 6 बराबर. तो लीव इन क्रेडिट इन मंथ्स तो 690 डिवाइड बाय 30 बराबर. अब ये कैसे पे कर रहा है? बेसिक सैलरी के हिसाब से इनटू बेसिक सैलरी. तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी है? लास्ट देखो 25,000. तो लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड 575. ये समझा? लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड समझा क्या? एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं 45 दिन एक साल के हिसाब से छुट्टी कंसीडर करता हूँ, और उसने छुट्टी ली 255 दिन, तो जो बची हुई लीव है उस पर उसको पैसा मिलेगा इनटू 25,000, क्यों बेसिक सैलरी के हिसाब से दे रहा है. तो ये कितना हो गया? 5 लाख बराबर. 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स बराबर. रिटायर कब हुआ है वो? 1 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को. उसकी सैलरी चेंज कब से हुई है? बराबर. तो डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है उसकी? 31 अक्टूबर 2023. तो 10 मंथ्स कौन से हो गए? जनवरी टू अक्टूबर 2023. हाँ या ना? फिर उसकी सैलरी पहले 20,000 थी और उसको डीए कितना मिल रहा है और उसमें टर्म्स में कितना है? यानी 3,000. तो देखो 20,000 इंटू 3 प्लस 25,000 7 प्लस डीए क्या है? 10. डीए थोड़ी बढ़ रहा है, डीए तो सेम ही है ना. डिवाइड बाय 10 तो एवरेज सैलरी कितना आया? 26,500. एवरेज सैलरी. होश में हो आप? तो ये 26,500 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 3 लाख. और ये हो जाएगा 265. सबका लीज कितना है देखो? 575. तो लीस्ट इज 265. तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा?
तो टैक्सेबल कितना होगा, 275 में से 265 गया तो 3,10,000। ये एग्जाम्पल 11, वापिस एक बार देखो एग्जाम्पल 11 में। देखो मैंने पूरा वही कंप्यूटेशन बनाया है, पहला एक्चुअल लीव एनकैशमेंट माइनस एग्जम्पशन, एग्जम्पशन में चार चीजें हैं, चार में से लीस्ट, पहली एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, फिर इनकम टैक्स 30 दिन अलाउ करता है, माइनस लीव टेकन, क्रेडिट लीव, उसको मंथ में कन्वर्ट करके 10 महीने की एवरेज, 10 × 10 महीने की एवरेज अमाउंट स्पेसिफाइड। अब हमने एम्प्लॉयर कितना 45 दिन देता है, तो एक्चुअल लीव एनकैशमेंट 45 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया और बेसिक सैलरी के हिसाब से, करेक्ट। और जो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स है वो कैसे कैलकुलेट, जैन से लेके अक्टूबर, तो जैन फेब मार्च में 20,000 थी, अप्रैल से 25,000 हो गई, प्लस डीए 3,000 है उसका, 60% इन टर्म्स है ना, और डीए 5,000 ही, डीए में कोई चेंज, तो 26,500 आया एवरेज सैलरी, सब जगह लिखा है, कंप्यूटेशन आया, आया ना। ये कॉपी कीजिए फटाफट। फिर क्वेश्चन 12, लिखिए लिखिए। तो कल से अभी अक्षय क्वेश्चंस के आंसर देगा, ऐसा आज वो मुझे बोल रहा है। बोले हो ना आप, मुझे भी शपथ ली है आपने, मन में शपथ ली थी मैंने, सुनी थी। मनन, मनन को गालियां देगा, मुझे क्यों देगा, ये क्यों सो रहा था क्लास के अंदर, वो हमारी भाषा में हेड डाउन करना सोना ही होता है। वर्किंग नोट 1, तनिषा जागो। दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं जो आंखें खोल के सोते हैं, एक तो घोड़ा, घोड़ा कभी आंखें बंद करके नहीं सोता है, दूसरा तनिषा। लिखो लिखो, यहाँ तक हुआ लिख के, डरिए ना, बस कल से तीनों की जगह अलग अलग, तो के पास एक को बैठाऊंगा, मनन के पास, हितेश के पास, तीनों में से जो आवाज किया कान के नीचे बजा देना उसको, कैडेश वो सेम लाइन, लीव इन क्रेडिट इन मंथ्स, इसका मतलब हैंड्स प्रूफ। अरे तो सैलरी मंथली लेंगे तो मंथ को ही सैलरी से मल्टीप्लाई ना भाई, तो डेज को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जी, ऐसे क्या सिस्टम उसका, चल ही नहीं रहा है सिस्टम, खड़े हो जाओ। रिकॉर्डेड वालों, इनकी बातों से घूमना मत ना, वर्ल्ड डिस्कशन हो गई है, मैं क्या है इनकी प्राइवेसी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आपकी इनकी फोटो भी दिखा देता था मैं। ऊपर करूँ थोड़ा इसको, यहाँ तक हुआ लिख के,
वर्किंग नोट वन दिखाऊं पूरा। टैक्सेबल है, 265 एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर के सेंटेंस में बोला है, उसने क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि एम्प्लॉयर पेज लीव एनकैशमेंट एज पर 45 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। नीचे से थर्ड या फोर्थ लाइन पे, बराबर ट्वेंटी, हाँ मंथ्स ना, 690 डिवाइड बाय 30। हुआ ना यहाँ तक? किसके नीचे? डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट का शॉर्ट फॉर्म डीटी होता है ना, डीएटी लिखना है आपको तो पूरा। डेट ऑफ रिटायरमेंट, हुआ डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एवरेज आएगा ना, 10 महीने की सैलरी ली तो 10 महीने से डिवाइड करेंगे। ये वाह सबका। अभी देखो एग्जाम्पल 12 में क्या बोला है, जरा देखो उसमें बोला है कि अगर 255 डेज इज लीव इन क्रेडिट, 255 डेज इज, हाँ लीव इन क्रेडिट मतलब उतनी छुट्टी नहीं ली है उसने, तो हमको लीव एक्चुअल इनकैशमेंट उसी में पे करना पड़ेगा। तो यहां पर तो ये हो जाएगा 255 डेज, और लीव अलाउड कितनी थी, 945 डेज, तो लीव टेकन, ये समझा? तो 255 को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो
तो लीव एंड कैशमेंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, ये समझा? तो यहां पर चेंज हो जाएगा, 212,500 हो जाएगा। दो लाख बारह हजार पाँच सौ, तो यहाँ पे 212,500 आया ना। फिर एज पर इनकम टैक्स 600 दिन है। लीव टेकन कितनी है, लीव टेकन कितनी है, मतलब लीव इन क्रेडिट हो जाएगा निल निल, तो ये भी निल आया ना। तो यहाँ पे एग्जम्पशन निल, तो 212,500, समझे क्या? बरोबर से ये जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एंड कैशमेंट, ये सब अच्छे से करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर सम्स करने वाले, और तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हो, कल हो या परसों, रिवाइज करे बगैर आए तो नहीं समझेगा। ये कॉपी कौन करेगा भाई साहब, बुक बंद क्या कर रहे हो? हाई लेवल डैश डैश क्वेश्चन 12, आपको फोटो लेना है तो फोटो भी ले सकते हो। पहले रिकॉर्डेड वालों देख लो, जल्दी से पॉज करके लिख लो। ये लोग फोटो लेने वाले हैं, ले रहे हो क्या फोटो की लिख रहे हो? लिख ही लो फिर, अभी क्या, अभी 2 मिनट तो लगेगा लिखने में, स्पीड बहुत फास्ट है आपकी। लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। शॉर्टकट हमेशा नुकसान वाला ही रहता है। हेडिंग लिख के हो गया, इसलिए अपने को वर्किंग नोट वन बनाना पड़ रहा है। नहीं, फिर वो हमको लीव इन क्रेडिट के लिए कैलकुलेशन बोलता था कि वो इनकम टैक्स के हिसाब से है कि खुद के हिसाब से। इनकम टैक्स के हिसाब से तो लीव इन क्रेडिट कैसे आएगा, लीव टेकन माइनस करने के बाद। तो उसने अगर दिया है अपने को कि इतना एम्प्लॉयर अलाउ करता, तो लीव टेकन ढूंढना पड़ेगा ना अपने को, तो वर्किंग नोट तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा। नील सबसे कम होता है ना, नील 0 होता है। ये 212,500 तक लिख के हुआ, तो वर्किंग नोट वन बताऊं क्या आपको?
12,500 आई लेवल डैश डैश उसको रिप्लाई कर दो, मैं नहीं आ रही हूँ, लेक्चर में हूँ, नहीं तो मुझे ओपन करके तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। कर दूंगा मैं रिप्लाई, मेरे हाथ इधर उधर कोई भी चैट पे चले गए तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जाने दो यार, कल तो टेंशन में आ गया था, स्लिप छपत। मेरे मुंबई के क्लास में है ना, मेरे बैच के अंदर कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मोबाइल के लॉक मेरी फिंगर से थे। वो बच्चों ने किए, बोले सर हमारे मोबाइल में कुछ भी हो आप आराम से देख सकते हो, मतलब उनके एक्चुअल में थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो भी उन्होंने मुझे एक्सेस दिया, बोले आप बिंदास चैट रीड करो हमें कोई टेंशन नहीं, पर मैं करता नहीं था, वो अलग बात। क्या स्क्रीनशॉट आपको चाहिए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वाला हो गया सबका, फर्स्ट वर्किंग हुआ क्या, सेकंड वाला तो सेम ही है पीछे के जैसे। हुआ सबका लिख के, रिकॉर्डिंग वालों हुआ, वर्किंग टू सेम है, हाँ सबको ये सब पढ़ के आना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अपन कंबाइंड सम करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग वालों धन्यवाद, बाय बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और ये डैश डैश लोगों को भी बाय बाय टाटा।